नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी का एक मुन्ना मतलबी, आप सबके भाई, आप सबके भतीजा, जिला गोपालगंज, ग्राम सोनबरसा के निवासी बानी। आज हम बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ आज हम लाइव आयल बानी, और लाइव एक कारण आयल बानी जो सुबह में जब हम उठनी हो तो एगो हम खेसारी लाल यादव जी के गाना देखनी हो, जौन की SRK म्यूजिक से रिलीज बा। वो गाना के बोल बाटे इश्क और कमे तू लव ज़्यादा शौक करेलू, तो हम ऐसे लाइव आयल बनी जो जौन आज खेसारी लाल यादव जी के गाना आज रिलीज होल बा SRK म्यूजिक से। वो गाना आज करीब 4 मंथ पहले 21 अक्टूबर के, यानी कि 10वां महीना में 21 अक्टूबर के वो गाना हम रिलीज कर दिल रहनी गा के। और रिलीज कहाँ से भल बा? मुन्ना मतलबी इंटरटेनमेंट से, जौन के राइटर हमार भाई बड़ा ही मेहनत और लगन से लिखल हो गाना के। हमारा छपरा जिला से यादव गोलू जी और हमारा गोपालगंज जिला से राइटर अरशद जी, और बहुत ही अच्छा गायिके वो गाना के गौले रही साथ में डुइट, जेकर नाम अपिप्राती है। और म्यूजिक हमार बड़े भाई प्रिंस जी रोशन भैया, प्रिंस बाबू सभी के उदेल रहे। और वो गाना रिकॉर्डिंग हमार गोपालगंज जिला बढ़िया बाजार मलिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से भई रहे। आज इस चीज खातिर हम बहुत विशेष ज्यादा उदास बानी। आज सभी के होली खेलता, होली मनाता, लेकिन आज हमनी के पूरा टीम हमार दुखित बा। का है आकि दुखित ऐसे बानी जा हमनी के कि हमनी छोट छोट कलाकार बनी। एगो तो सबसे पहले कलाकार हमनी छोट बानी और फैमिली से घर से सपोर्ट ना मिले, एक एक रुपया हमनी के इंतजाम करके कमा के म्यूजिक के पैसा जोगाइला। एगो गाना रिलीज करे में बढ़िया से कितना पापड़ बेले के पड़ेला छोट छोट सिंगर, आप लोग समझ सकते हैं। एगो गाना खातिर म्यूजिक डायरेक्टर के पैसा व्यवस्था कर, अथी के गवावल हर चीज के व्यवस्था कर, स्टूडियो वाला के दी, लेडीज के गवावल, मने सबसे हमारा दुख इस चीज के बाद ये गाना हमारा आज से 4 मंथ पहले रिलीज हो गई रहा, और वह गाना के आज खेसारी लाल यादव जी वो चोरी करके इन लोगों ने गा दिया है मेरे गानों को। तो हम जितना लोग सारा लोग बा सबका से एगो हम प्रार्थना करब कि यह चीज के हमरा इंसाफ चाहिए, ये गाना के इंसाफ चाहिए। अगर यह गाना के हमरा इंसाफ ना मिली तो हम आजे जाके FIR दर्ज करब। मान्यवर पावन पांडे जी, हम आपके बहुत बड़े फैन थे, खेसारी लाल यादव जी के भी फैन थे, लेकिन आप लोग भोजपुरी स्थल को गिरा रहे हैं, बिल्कुल गंदा कर रहे हैं भोजपुरी स्थल को। छोटे छोटे कलाकार को आप लोगों को तो शर्म आना चाहिए, छोटे छोटे कलाकार को आप लोग को हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, उन लोगों के करियर के लिए लाइफ